अच्छा, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर एक राउटर के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि शो इंटरफेस ईथरनेट जीरो, ये कमांड लिखी है कैसाब्लांका पे। शो इंटरफेस ईथरनेट जीरो, उसके रिप्लाई में बहुत कुछ इसने जो है वो डिटेल दी है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैट्रिक की डिटेल है। सबसे पहले तो एमटीयू बता रहा है 1500 बाइट्स है वो मैक्सिमम इस ईथरनेट इंटरफेस से जो है वो पास हो सकते हैं पैकेट्स। बैंडविड्थ है, डिले है, रिलायबिलिटी है, लोड है। डिले कम होगा तो बेहतर होगा, रिलायबिलिटी जो है वो जितनी हम कहते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज करती रहेगी बेहतर है, लोड जितना कम रहेगा उतना बेहतर है। तो 1 बेहतर लोड है, 234 रिलायबिलिटी अच्छी है, हाईएस्ट जो है वो 255 होगी। ये जो है पैरामीटर सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इस कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। जो फार्मूला मुझे जो है वो देखना है, वो फार्मूला ये है कि मैट्रिक है जिसके साथ जो है मुझे बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैंडविड्थ हमारे पास है आईजीआरपी की मिनिमम, और डिले जो है वो हमें सम करना है।
डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर। जी सर नजर आई। ठीक है, अब हम मैट्रिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम मौजूद हैं इस वक्त इस राउटर पे और हमें जो कैलकुलेट करना है ये डेस्टिनेशन है जिसको मैंने टिक किया है, जिस पे 65 किलो बैंडविड्थ बता रहा है। अब हम एक बात की बात करते हैं कि यहां से अगर मैं लिंक की बात करूं तो वो जो फॉर्मूले में मिनिमम लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। ये बैंडविड्थ कितनी है यहां से यहां तक की? 98 किलो है। उससे आगे जाएंगे तो बैंडविड्थ कितनी आ रही है? 40 किलो। उससे आगे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं इस डेस्टिनेशन पे तो इस डेस्टिनेशन पर बैंडविड्थ आ रही है 65 किलो। तो तीन बैंडविड्थ मुझे मिल रही है, 98 किलो, 40 किलो और 65 किलो। तो इस वजह से अगर मैं इस रास्ते को सिलेक्ट करके डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूं तो मुझे जो है वो जो बैंडविड्थ सिलेक्ट करनी होगी मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए वो होगी 40 किलो, क्योंकि सब में जो है सबसे कम बैंडविड्थ जो है 40 किलो है। कम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे रास्ते के अंदर जो है अगर हम 98 किलो बैंडविड्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से तो इसका नुकसान ये होगा कि इधर से तो 98 किलो बैंडविड्थ मिल जाएगी, आगे जहाँ पर 40 किलो बैंडविड्थ है और जहाँ पर 65 किलो बैंडविड्थ है वहाँ पर 98 किलो के रिस्पेक्ट से जो है पैकेट डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है बैंडविड्थ जो है वो हमेशा
कम से कम वाली सिलेक्ट करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा, बॉटल नेक क्रिएट होगा। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि शारा फैसल पे ये जो स्टॉप है नाता खान गोट का और इससे जरा सा आगे तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो एक से दो लेन जो है तकरीब कम से कम एक लेन जो है वो बिजी है, उस पर जो है वो तोड़ फोड़ करके कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि उसकी वजह से डिग रोड के स्टेशन पे अंडरपास जो है वहीं से ट्रैफिक इतना जैम हो जाता है कि फिर गाड़ी आहिस्ता 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 स्लो स्लो होकर जा रही होती है। अब कुछ हो सकता है ट्रैफिक बेहतर हो गया हो, नहीं तो 2 महीने से जो है वो यही प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे। पीछे बैंडविड्थ ज्यादा है क्योंकि हम कह रहे हैं कि रोड की विड्थ सही है, लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं तो आगे आके जो है वो एक लेन जो है बंद हो जाती है। एक लेन बंद होने की वजह से जो है वहां पर बॉटल नेक क्रिएट होता है, पीछे से ट्रैफिक तो उतना ही आ रहा है ना, 3 लेन से जो है वो ट्रैफिक आ रहा है, आगे आके लेन 2 हो जाती हैं। जब 2 लेन होती है तो एक लेन जो है वो जिस पर मौजूद होती हैं गाड़ियां वो अपनी लेन चेंज करती हैं, तो फिर ट्रैफिक जो है वो स्लो होता है। तो इस वजह से जो है वो बाय रूल अगर आप एक पाथ पे जा रहे हैं तो वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के रास्ते में जो सबसे कम बैंडविड्थ होगी वो सिलेक्ट की जाती है हमेशा। तो अगर मैं इस पर लिखूं एरो बना दें यहां पे कि यहां से यहां तक जाना है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो बैंडविड्थ इस वक्त अवेलेबल है वो है 40 किलो। अगर हम 98 किलो से भेजना भी चाहें तो आगे जाके बॉटल नेक क्रिएट हो जाएगा और कंजेशन होने की वजह से जो है ट्रैफिक रुक रुक भी जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एक रास्ता हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे वाले रास्ते से कि अगर हम पैकेट को इस रास्ते से भेजें, इधर बैंडविड्थ कितनी है 340 किलो, यहां से गुलाम मुस्तफा देखते हैं अभी फिर दोबारा गौर करें, यहां से इधर आए तो 300 किलो है, इधर से आगे जाएं तो 200 किलो है, और इधर से आगे पहुंचे डेस्टिनेशन पे तो फिर 65 किलो बैंडविड्थ है। ये बैंडविड्थ जो है वो 65 किलो हो गई। तो इस पूरे रास्ते में जो बैंडविड्थ हमें मिल रही है वो 65 किलो मिल रही है। 340 से लेके जाएंगे आगे 300 है, आगे 200 है, और आगे 65 है, तो सब जगह पर बॉटल नेक क्रिएट होगा, कंजेशन आएगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो जहां पर 65 है वहां पर आएगा। तो इसलिए जो इस पूरे पाथ में जो बैंडविड्थ सिलेक्ट होगी वो बैंडविड्थ 65 किलो होगी। ये बैंडविड्थ यहां से सिलेक्ट हो गई। अब देखें हमने 2 रास्तों में चेक कर लिया कि अगर पहले वाले रास्ते से पैकेट को भेजें तो उसकी बैंडविड्थ 40 किलो सिलेक्ट होगी, और अगर दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करें तो वहां से बैंडविड्थ जो है 65 किलो बैंडविड्थ सिलेक्ट होगी। ये तो 2 अलग अलग पाथ हमने सिलेक्ट कर लिए। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अब हम जो कहते थे कि हम वो वाले रास्ते को सिलेक्ट करेंगे जहां से बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी मुझे, तो हम उसके पीछे ये वाली कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी होती थी कि हमें जो है वो एक रास्ते से मुझे बैंडविड्थ 40 किलो मिल रही है, दूसरे वाले रास्ते से मुझे 65 किलो मिल रही है, तो 65 किलो बेहतर रूट है, तो इसलिए सारे के सारे पैकेट जो है वो वाला रास्ता सिलेक्ट करेंगे जिससे 65 किलो बैंडविड्थ जहां से मिल रही है, ये है ऑप्टिमल रूट। ये पूरी कैलकुलेशन होती है वहां फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है बैंडविड्थ, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनिमम। तो जो मिनिमम लिखा हुआ है उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर वो मिनिमम बैंडविड्थ एक पाथ के लिए लिखी हुई है, जिस तरह से मैंने पाथ 1 सिलेक्ट किया था उसके लिए लिखा हुआ है बैंडविड्थ मिनिमम, तो वो हमने मिनिमम सिलेक्ट कर ली 40 किलो, हमारा मसला हल हो गया। दूसरा जो है हमने पाथ अगर चेक किया तो वहां से हमने मिनिमम बैंडविड्थ ले ली 65 किलो,
तो अब हम जो कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, 40 किलो के 65 किलो, तो फिर हम वहां पर जो फाइनल सिलेक्शन है वो आई है हमारे पास बैंडविड्थ 65 किलो। ये 65 किलो बैंडविड्थ हम सिलेक्ट कर लेंगे इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से कि जो हमने दो एक राउटर को टिक किया हुआ है कि यहां से पैकेट को उस नेटवर्क पे जहां पर हमने टिक किया हुआ है कि इस नेटवर्क पे पहुंचाना है, तो बैंडविड्थ जो है वो 65 किलो सिलेक्ट होगी। तब हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फार्मूले में लिखा हुआ है 10^7 डिवाइडेड बाय 65 किलो, वो हम कैलकुलेशन में लिखेंगे। दूसरी चीज है डिले, डिले में लिखा हुआ है मिनिमम, उसी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है डिले, डिले में लिखा हुआ है सम, डिले में जो है वो सम है। सम का मतलब यह है कि हमें अब हमें टोटल जो है वो डिले काउंट करना पड़ेगा कि अगर पहले रास्ते से जाते हैं तो डिले कितना आ रहा है, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो डिले हमें कितना मिल रहा है। तो जब पहले रास्ते से अगर हम डिले काउंट करें तो हमने कहा कि हर लिंक के डिले जो है 20 माइक्रोसेकंड है, तो अगर पहले वाले से पास से सिलेक्ट करेंगे तो 20 किलो 20 किलो और 20 किलो, तो टोटल डिले जो है मुझे मिल रहा है वो इस रास्ते से जो डिले मुझे मिला वो है 60 माइक्रोसेकंड। अब मैं एम लिख रहा हूं, एम फॉर माइक्रो ही समझ लेना, पूरा नहीं लिख रहा मैं, माइक्रोसेकंड। और अगर दूसरे रास्ते से वो सिलेक्ट करता हुआ जाएगा तो पहले से 20, 20, 40, 20 जो है 60 और यहां से 80, तो यहां से जो डिले मुझे मिल रहा है वो 80 माइक्रोसेकंड मिल रहा है। तो अब दो रास्ते मेरे पास मौजूद हैं, एक से 60 माइक्रोसेकंड है, एक से 180 माइक्रोसेकंड है। तो वहां जो फॉर्मूले में लिखा हुआ सम लिखा हुआ है, तो सम का मतलब ये नहीं है कि 80 और 60 को प्लस कर लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत लॉजिक हो जाएगी। एक रास्ते में जो है वो पूरा डिले जो आ रहा है उसकी बात हो रही है। अगर पहले रास्ते को सिलेक्ट करते हैं तो वहां से पूरे रास्ते से स्टार्ट से लेकर एंड तक का डिले कितना आ रहा है, 60 माइक्रोसेकंड आ रहा है। अगर दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करते हैं उसका हम जो है वो सम करेंगे तो हमें टोटल 80 माइक्रोसेकंड आ रहा है। तो बेहतर रास्ता वो होगा जहां से वक्त हमें कम लग रहा है, तो 60 माइक्रोसेकंड जो है वो कम मिल रहा है। अब ये देखें एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है कि अगर मैं बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट से चेक कर रहा हूं तो दूसरा रास्ता बेहतर लग रहा है, और अगर डिले के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहा हूं तो पहला वाला रास्ता बेहतर लग रहा है। तो इसलिए अभी तक हम सिलेक्ट नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे, हम जो है वो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो 65 किलो जो है वो रखी है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, और 60 माइक्रोसेकंड है वो भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और इसको जो है वो कैलकुलेट करने के बाद जो है हम फॉर्मूले में रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर जो है वो एक्चुअल बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्चुअल मैट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि किस लिंक का जो है वो मैट्रिक ज्यादा बेहतर है, पैकेट वहां से जाना शुरू कर देंगे। कोई सवाल आप लोगों का यहां पर, आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और हम करते हैं उसको फिर देखते हैं। सर सर एक चीज पूछनी थी जी, सर आपने भी बताया कि जो बैंडविड्थ में हम लोग जो शॉर्टेस्ट मतलब है कि जहां से कम आ रही है हमारी बैंडविड्थ आएगी तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे ऊपर 40 आ रही है आपने बताया और नीचे 65 थी, ठीक है, तो फिर भी आपने 65 लिया और फिर जब आपने डिले पर गए तो 60 और 80 था, तो जो आप बैंडविड्थ का बता देंगे बैंडविड्थ वाला बैंडविड्थ का जो ऊपर 40 था आपने 65 किसे लिया, मतलब तो 40 नहीं लेंगे हम क्यों कम है, क्योंकि जो आगे जाके पाथ बड़ा हो रहा है मतलब रोड लाइक बड़ा हो रहा है रोड, तो फिर छोटा तो आ सकता है बड़े भी लेंगे, बड़ा तो छोटे भी नहीं जा पाएगा ना। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, आप मुझे बताएं कि आपके पास दो रास्ते मौजूद हैं, उन दो रास्तों से जो है वो आपको कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो चार लेन है और इधर जो है वो एक लेन है,
कौन से रास्ते को आप सिलेक्ट करेंगे, गाड़ी किधर से लेके जाएंगे? तो जहां पर एक होगी, जहां पर एक होगी, ये आपका दिमाग कहता है? दिमाग से सोच के बताएं। सर मैं थोड़ा सा आगे से कंफ्यूज हो गया, इससे पूछ रहा हूं। आप बताएं ना, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? तो चार वाले को, ऑप्शन होंगे वहां पर, चार वाले को होंगे। तो मैंने अगर जो है वो 65 किलो वाली बैंडविड्थ सिलेक्ट कर ली, तो आप कह रहे हैं मैंने गलत कर लिया। 65 किलो वाले रोड की विड्थ ज्यादा है ना, आप कह रहे हैं, आपसे मैं कह रहा हूं कि पैसे जो है बराबर हैं। एक घर आपको मिल रहा है 65 फिट के रोड पे ऊपर, जिसका रोड की विड्थ 65 फिट है, फिट, ठीक है। और एक और घर आपको मिल रहा है 40 फीट के जो है वो रोड के ऊपर, आपके घर के सामने 40 फुट का रोड जा रहा है, और एक और घर मिल रहा है जिसमें 65 फुट का रोड मिल रहा है, वहां पे चल रहा है सामने से, कौन सा घर प्रेफर करेंगे आप? पैसे जब बराबर हैं तो फिर 65 वाला लेंगे ना, क्योंकि रोड चौड़ा है उस पे। जी सर समझ गया, इसीलिए 65, इसीलिए 65 होगा ना। जी सर, ये हमने बेस्ट पास 65 सेलेक्ट किया ना, तो जी किस बेस पे करेंगे, बैंडविड्थ या टाइम के बेस पे, या टाइम तो ज्यादा लग गया? फॉर्मूले में दोनों चीजें प्लस करके आंसर आ रहा है, फॉर्मूले में दोनों चीजें प्लस करने के बाद आ रही हैं, तो इसलिए उसकी बैंडविड्थ उसका डिले, इसकी बैंडविड्थ इसका डिले, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो बेहतर आंसर आएगा, लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ, जिसका आंसर कम आएगा वो बेहतर रास्ता होगा। यस सर, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, डायग्राम में हमारी स्लाइड पर डायग्राम मौजूद थी, मैं समझ रहा था नहीं है मौजूद। अच्छा जी, इसमें भी बता दें क्या हो रहा है। तीन रास्ते हमें इसमें नजर आ रहे हैं, राउटर ए से आगे राइट साइड पर जो है मुझे जाना है, मोस्ट राइट पे जो आरबी राउटर है उसके राइट साइड पे नेटवर्क मौजूद है। अगर पाथ वन सेलेक्ट करते हैं तो पाथ वन ऊपर जो है 10 किलो, 20 किलो, 45 किलो, तो बैंडविड्थ क्या सिलेक्ट होगी? 10 किलो, यस नो? चैट पे बता दें भाई क्या सिलेक्ट होगी, 10 है, 20 है, 45 है? रायत खान, लिखा नहीं ना आपने, बताया नहीं आपने, मैंने कहा जगा दूं। नहीं सर, लिख दिया, टाइप कर दिया। कर दिया सर, 10 होगी सर मुझे तो नाम। अच्छा अच्छा ठीक है, 10 किलो, ओके, नजर नहीं आया हमने। 10 किलो होगी। दूसरे वाले रास्ते से जो दरमियान में जा रहा है, राउटर ए, राउटर ई, राउटर एफ, राउटर बी, इस रास्ते से सर 45 ही होगी सर, क्योंकि इसके अंदर तो यही दिया हुआ है। मोहम्मद वसीम, सेकंड पाथ से 35 किलो कहां से आ गई? अच्छा 35 किलो है, अच्छा ठीक है सही है। सेकंड वाले पाथ से जो है 35 किलो जो है वो ठीक है, पहले 95 आ रही है, फिर 35 आ रही है, फिर 65 आ रही है, फिर जो है 45 किलो आ रही है, तो कम से कम पूरे रास्ते में 35 किलो है ना, तो 35 किलो आ जाएगी। तीसरे वाले रास्ते से जो है राउटर ए से राउटर डी पे, राउटर डी से राउटर बी पर, तो पहले जो है राउटर ए से राउटर डी पे 65 किलो, फिर आर डी से जो है वो आर बी के ऊपर 90, और फिर 45 है, तो कम से कम कितनी आ रही है, 45 किलो भाई, 45 किलो, 45 किलो होगी। तो पहले वाले रास्ते से जो है वो बैंडविड्थ आ रही है 10 किलो, दूसरे रास्ते से 35 किलो, तीसरे रास्ते से 45 किलो, तो तीनों में से जो बेहतर है वो 45 किलो बेहतर है, ये हम कह रहे हैं। ऐसे ही डिले जो है जो तीनों में से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, कम से कम डिले जो होगा वो बेस्ट रूट सेलेक्ट होगा। जी अभी कह रहे हैं कैसा ब्लांका से, ये राउटर है कैसा ब्लांका,
ये राउटर है कैसाब्लांका, इस पे हम मैट्रिक कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसाब्लांका से मुझे पहुंचना है 182 के नेटवर्क पे, इस जगह पे। यहां मुझे अगर पहुंचना है तो मुझे जो है वो मैट्रिक कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें मल्टीपल रूट तो है नहीं, एक ही रास्ता है जहां से हमें जाना है, तो कंपैरिजन कुछ भी नहीं है इसमें, हमें सिर्फ मैट्रिक कैलकुलेशन ही करनी है। तो मैट्रिक कैलकुलेशन के अंदर हम कह रहे हैं कि जो भी बैंडविड्थ होगी वो मिनिमम होगी और जो डिले होगा वो सम होगा। ये दो चीजें जो है वो करके हम सम कर लेंगे तो हमें मैट्रिक की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, जो हम बैंडविड्थ लेते हैं तो बैंडविड्थ नोट कर लें कि बैंडविड्थ हमेशा जो है वो आउटगोइंग इंटरफेस की ली जाती है। कैसाब्लांका से मुझे जाना है, ये याला से लेफ्ट साइड पे जो नेटवर्क मौजूद है 172.20.40.0 नेटवर्क पे, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ जो कैलकुलेट कर रहे हैं असद अली, मुझे कैलकुलेट करा दें। असद अली माइक ऑन करें, असद अली क्लास में मौजूद हैं, असद तो क्लास में मौजूद ही नहीं है। असद अली 888-4, असद अली मौजूद हैं क्लास में? नहीं है मौजूद, एब्सेंट लगा रहा हूं मैं आपकी। अच्छा जी, गुड। वजी हैदर, यस सर। हाँ चलो कैलकुलेट कराओ, क्या करें। कैसाब्लांका से मुझे बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है 172 के नेटवर्क पे। क्या बैंडविड्थ है कैसाब्लांका से नेक्स्ट राउटर तक? सर ये है 1000 माइक्रोसेकंड्स। 10,000 माइक्रोसेकंड, यस सर। 10,000 माइक्रोसेकंड हो गए, 10,000 माइक्रोसेकंड 10,000 किलो। अच्छा ओके, अच्छा जी। उसके बाद जो है वो दूसरे राउटर से आगे कितनी आ गई आउटगोइंग इंटरफेस की? 1544 आ गई। तीसरे की आ गई 512 किलो, ठीक है जी। और 56 भी लिखी हुई है, कौन सी लेंगे सर? आउटगोइंग लेंगे ना, 512 लेंगे ना जी। आउटगोइंग ये है और ये अगले राउटर का इनकमिंग है, इसलिए क्योंकि हम क्योबेक से याला की तरफ जा रहे हैं तो आउटगोइंग होगी, तो फिर आउटगोइंग 512 ही लेंगे, 64 नहीं लेंगे, ये नोट करें। यस सर। और फिर उसके बाद याला से लेफ्ट साइड पर 100,000 जी। तो कम से कम क्या है सर? कम से कम हमारे पास 512 किलो है, ठीक है जी। सब एग्री है इससे? यस सर, ठीक है जी। तो अब ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट हमने करना है 10^7 डिवाइडेड बाय 512 किलो, ये हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और फिर अब उसके बाद जो है वो हमें लेना है डिले, तो ओवेस नूर यस सर जी, डिले क्या करना है? मिनिमम लेना है? यस सम लेंगे जी, तो डिले सम लेंगे। तो पहले कैसाब्लांका से जो है वो तहरान के क्या है डिले? 1000 माइक्रोसेकंड। यस सर। मतलब कॉमर्स से आए हो तुम लोग क्या हैं? फिजिक्स पढ़ी है? यस सर, यूनिट में थोड़ा सा मसला, ठीक है जी। तहरान से जो है वो हम क्यूबेक की तरफ जाएंगे तो कितने माइक्रोसेकंड आ गया? 20,000, ठीक है जी। तो 20,000 प्लस 1,000 ये हो जाएगा ना? यस सर। फिर क्यूबेक से आगे जो है याला की तरफ जाएंगे तो फिर प्लस 20,000, ठीक है जी।
20,000 प्लस हो गया। फिर उसके बाद याला से जो है फिर दोबारा हम 172 के नेटवर्क पर जाएंगे तो कितना डिले और आ गया, 5,000 माइक्रोसेकंड और आ गया। तो इन सबको सम कर लेंगे तो ये हमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो डिले मिल जाएगा। ठीक है, तो डिले निकाल लिया, बैंडविड्थ निकाल ली, इन दोनों को सम कर दें तो हमें जो है मैट्रिक की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन की हुई है इसने यहां पर, ये सारा डिले जो है वो सम करके 46,000 माइक्रोसेकंड निकाला हुआ है और फिर जो है वो आगे बैंडविड्थ निकाली हुई है और डिले कैलकुलेट किया हुआ है और उन दोनों को सम कर दिया है और सम करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 24,131। ये मैट्रिक की वैल्यू आई है 24,131 जो है मैट्रिक की वैल्यू कैलकुलेट की है इसमें। ठीक है भाई, ये नहीं समझ आया था थोड़ा, एक कहां पे समझ में नहीं आया, ये 10 से आपने बोला डिवाइड करना है सर, ये पुराना है ना फार्मूला, 1950 में बताया था भाई, जब आप क्लास में मौजूद नहीं थे ना उस वक्त बताया था। पीछे वाली स्लाइड बताएं सर, बता दी ना फार्मूला क्या है, फार्मूला तो याद कराओ पहले मुझे, फार्मूला क्या होता है मैट्रिक कैलकुलेट करने का। सर ये जो, अरे सबर सबर सबर, बारी बारी भाई, बारी बारी, आराम आराम से जी सर। डिले इज इक्वल टू सम ऑफ माइक्रोसेकंड और डिवाइड बाय 10। कहां है फार्मूला सर? ये फार्मूला आपने पीछे, ये रहा जी सर। तो बैंडविड्थ को 10^7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ करना है और डिले को 10 से डिवाइड करना है। तो ये काम यहां पे किया है। आपकी ट्रेन लेट पहुंची है ना, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। यस सर, मेरा वो ट्रेन का पहिया ट्रेन का पहिया क्या होता है पंचर हो गया था सर। हाँ, कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो पता चलेगा ना, ट्रेन का पहिया पंचर नहीं होता। हाँ जी जी, बोले ये बैंडविड्थ में आपने लिखा है 19531, इसके बाद 0.25 आ रहा है, वो निगेट कर देंगे पॉइंट में जो आदि मतलब वैल्यू 0.25 जो है वो, हाँ निगेट कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, इसी कंफर्म करते हैं। ओके सर, तो ये वैल्यू आ गई 24131। तो हम ये देखते हैं कि जो है राउटर ने क्या कैलकुलेट किया है। तो अगर हम राउटर के ऊपर लिखते हैं कैसा ब्लैंका के ऊपर ही, उसी राउटर के ऊपर कमांड लिखी है शो आईपी रूट, तो ये तो कमांड पुरानी है शो आईपी रूट की। ठीक है, जब हम शो आईपी रूट लिखते हैं तो पूरे रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। आगे लिखा है कि शो आईपी रूट के बाद स्पेसिफिक वही नेटवर्क जिस नेटवर्क को मुझे जाना है, जिसके लिए मैंने मैट्रिक अभी कैलकुलेट करके दिखाया है आपको, तो ये कमांड के आगे जो है वो नेटवर्क लिख देंगे तो सिर्फ उसी नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये मैट्रिक की कैलकुलेशन उसे दी है कि अगर उस जगह पर जाएंगे कैसाब्लांका से तो उसके मैट्रिक की वैल्यू 24131 है, क्योंकि उस पर जो है IGRP कन्फिगर है, इसलिए मैट्रिक कैलकुलेशन राउटर ने की हुई है जो कि 24131 आई है, और हमने भी वही कैलकुलेशन की है अभी पेपर के ऊपर। तो जिस तरह से रिप में हमने देखा था कि हम उसको नहीं बता रहे थे कि बेस्ट रूट कैसे सिलेक्ट करो, राउटर अपनी मर्जी से बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर रहा था जहां से होप काउंट कम मिल रहे थे। तो अभी भी हम ऑप्टिमल रूट की जब बात कर रहे होंगे तो ऑप्टिमल रूट में हम उसको नहीं कैलकुलेट करके दे रहे होंगे ये सारा मैट्रिक, या हम उसको नहीं बता रहे होंगे कि ये वाला रास्ता सिलेक्ट करो और फला रास्ता सिलेक्ट ना करो। राउटर खुद जो है वो ऑप्टिमल रूट कैलकुलेट कर रहा होगा, मैट्रिक कैलकुलेट करेगा और उसके बाद जो है वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा, जिसका पैरामीटर जिसकी मैट्रिक की वैल्यू कम आएगी वो वाला पाथ बेहतर होगा। तो इसीलिए कहा था कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो बेहतर रास्ता होगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक के मैट्रिक की वैल्यू 25 आ रही है, दूसरे रास्ते से अगर जाएंगे तो वहां से मैट्रिक की वैल्यू 50 आ रही है, तो 25 वाला जो है बेहतर होगा क्योंकि वो लीस्ट कॉस्ट है। तो कम वैल्यू जिसकी आएगी वो बेहतर रास्ता होगा, उसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो सकती है या उसका डिले कम होगा, दोनों में से कोई एक चीज जो है बेहतर होगी जिसकी वजह से वो रास्ता जो है उसका आंसर छोटा है। जो बेहतर रास्ता होगा उसका आंसर स्मॉलर आएगा, जो लॉन्ग ऑप्टिमल रूट नहीं होगा उसका आंसर जो है वो लार्ज आएगा।
ठीक है, मैट्रिक कैलकुलेशन में हेलो जी सर अरे भाई क्या अरे भाई क्यों नहीं चल रहा है? लग रहा है 2 मिनट ऐसे ही गुजर जाएंगे। सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है।